गिरी में स्थापित मेरे आराध्य नारायण के इस स्वरूप को ये संसार वेंकटेश्वर के नाम से पुकारेगा। प्रभु वेंकटेश की जय। प्रभु वेंकटेश की जय। प्रभु वेंकटेश की जय। तस्मै ब्रह्मणे पूर्णा कामाय परमात्मने त्रयुचे परसंगाय वेंकटेशाय मंगलम। पिछले जन्म में जब मैं चोला नरेश था तो मेरे कारण ही आपके सुंदर मनोहर रूप में एक त्रुटि आ गई थी। चारा हमारा दिया हुआ खाती है और दूध इस वल्मीक पर चढ़ाती है। अभी बताता हूँ। चोला नरेश, अपनी अज्ञानतावश तुमने जिस पर प्रहार किया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण है। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? आपके इस प्रहार के कारण मेरे रूप में जो त्रुटि हुई है वो आने वाले समय में अनेक भक्तों के लिए मेरे आशीर्वाद का मार्ग बनेगा जब वो अपने केश मुझे अर्पण करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने केश आपको अर्पित करना चाहता भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे अपने केश दान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रथा बन जाएगा। और जो भी भक्तगण यहां पर अपने केश दान करेंगे उस पर श्रीनिवास भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उसे अपने जीवन में दोगुनी समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, जो भी भक्तगण देवी महालक्ष्मी के कोल्हापुर स्थित मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली कि श्रीनिवास और भार्गवी की इस महान प्रेम गाथा का एक भाग बन पाया, वो महान प्रेम गाथा जिसे ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुप्रूपि ब्रह्म चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। ये है तिरुपति बालाजी की कथा। ब्रह्मणे पूर्णं कामाय परमात्मने प्रयुज्ये परतत्त्वाय वेंकटेशाय मंगलम्। लक्ष्मी नारायण की लीला तो अपरंपार है। ये समस्त सृष्टि नारायण के स्वप्न मात्र ही तो है और ये उनका स्वप्न ही है जिसके कारण हम सभी को ऐसी अद्भुत कथा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समस्त संसार लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के साथ साथ श्रीनिवास और भार्गवी की प्रेम कथा भी सदैव स्मरण रखेगा। पृथ्वीलोक को अब यह आशीर्वाद है, महालक्ष्मी मंदिर का कोल्हापुर में और वेंकटेश्वर मंदिर का वेंकटगिरी में। इस प्रकार से सभी भक्तों को सदैव लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। ऐसी दिव्य कथा देखने का सौभाग्य प्रदान करने हेतु हमें देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण का धन्यवाद करना चाहिए।
देवी लक्ष्मी और नारायण तो अभी भी निद्रा में है। सर्वकाल ज्ञानी है, समस्त सृष्टि के संचालन का दायित्व लक्ष्मी नारायण का है। यदि ये अपनी निद्रा से जागृत ना हुए तो घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। किंतु इन्हें जागृत कैसे किया जाए देवराज? मुझे ज्ञात है, कौन इन्हें सचेत कर सकता है। कान्हा, देखो मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि तुम मुझे मात्र सताने के लिए ऐसे छुप रहे हो। यदि तुम शीघ्र ही मेरे सामने नहीं आए तो अभी तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। स्वयं ही मुझसे कहा कि प्रातः प्रातः कहीं चलना है तो तैयार रहना। अब मैं तैयार हूँ तो न जाने ये कहाँ रह गया। कान्हा, ना प्रत्येक दिवस चिंता का कोई ना कोई कारण मुझे देना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण नगरी में ढूंढते रहो इसे। कान्हा, 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 केवल आप ही जो देवी लक्ष्मी और नारायण को निद्रा से जगा सकते हैं। यदि इसी प्रकार वो निद्रा अवस्था में रहे तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो सकता है। प्रभु, सृष्टि के असंतुलन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो भी चुकी है। किंतु महादेव, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? समय का अंतर देवराज, आपके देवलोक पर तो कुछ ही क्षण बीते हैं परंतु धरती लोक पर कई माह बीत चुके हैं और वहां लक्ष्मी नारायण की अनुपस्थिति का प्रभाव उनके भक्तों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हे देवी अंबाबाई, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि आपके जो इस कोल्हापुर मंदिर में आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप उसके सभी कष्ट दूर करेंगी। मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपसे पूर्ण निष्ठा के साथ प्रार्थना की, किंतु उसका स्वास्थ्य तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना माते। मैंने सुना था कि यह केस दान करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें दोगुना धन और संपत्ति का लाभ होता है। मेरा ऋण तो बढ़ता जा रहा है प्रभु। महादेव, कृपा कर लक्ष्मी नारायण को सचेत कीजिए, अन्यथा भक्त जनों को इसी प्रकार पीड़ित होना पड़ेगा। प्रभु, मैं स्वयं यही चाहता हूँ देवराज कि लक्ष्मी नारायण शीघ्र अपनी निद्रा से जागृत हो जाए, परंतु मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। महादेव, यदि आप लक्ष्मी नारायण को सचेत नहीं कर सकते तो इसका समाधान क्या है? महादेव, लक्ष्मी नारायण निद्रा में इसलिए गए क्योंकि राधा कृष्ण ने मेरा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात निद्रा में चले गए। अब यदि हम किसी प्रकार से राधा कृष्ण को उनकी निद्रा से जागृत कर सके तो समय रहते लक्ष्मी नारायण को भी सचेत कर सकते हैं। और आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कार्य कौन कर सकता है। कान्हा, कान्हा, श्री बलराम। देवगण, आप सभी यहां अचानक, प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ, आप सभी इतने अधिक चिंतित क्यों लग रहे हैं? यदि आप जानेंगे तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। यदि लक्ष्मी नारायण को निद्रा से जगाया ना गया तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण को सचेत करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र राधा कृष्ण को भी सचेत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संकट से मुक्ति पाने हेतु अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं।